दिनांक 31/1 की देर रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत एक 25,000 रुपये का इनामिया वांछित बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध पिस्टल एवं जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस बदमाश द्वारा 21 दिसंबर को नील ठाकुर नाम के एक व्यक्ति को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर एवं फायरिंग करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें एक गोली मजरूप के कमर में लगी थी, जिसका अभी उपचार लखनऊ में चल रहा है। इस घटना के संबंध में 7 अभियुक्तों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था एवं सुधाकर सिंह नाम का यह मुख्य बदमाश अभी तक वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसे आज कोतवाली नगर पुलिस एवं स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश के ऊपर पूर्व में भी हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट आदि धाराओं में, गंभीर धाराओं में करीब 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।